लोकसभा ने विपक्ष के 25 सांसदों को सदन में बार बार प्लेकार्ड दिखाने और वेल में आ जाने के कारण 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में आज स्पष्ट किया कि उन्होंने ललित मोदी के यात्रा दस्तावेजों को लेकर ब्रिटेन की सरकार से कभी सिफारिश नहीं की। सुषमा ने अपने ऊपर लगे विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताया। संसद में गतिरोध खत्म करने और सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक बेनतीजा रही। कांग्रेस ललित मोदी और व्यापम मुद्दों पर अपने इस्तीफे के मांग पर अड़ी रही। सरकार के लिए राहत की खबर ये रही कि कुछ दलों ने अपने मुद्दों पर चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही चलाने की बात कही। गुजरात में बाढ़ प्रभावित बनासकंठा, पाटन और महसाणा में राहत और बचाव कार्यों के बाद बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उत्तर गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अनुदान की घोषणा की है। बाढ़ प्रभावित 90% से अधिक क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पाटन, मेहसाणा और बनासकंठा जिलों में अधिकतर स्कूल कॉलेज आज से खुल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से बसपा सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिली है। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा 2 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से जमानत की सभी शर्तें तय करने को कहा। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर यूपी सरकार दायर कर सकती है याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट के फैसले की चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। ओम प्रकाश चौटाला की 10 साल की सजा बरकरार रहेगी। इसके अलावा इस मामले में अजय चौटाला और 10 अन्य को भी कोई राहत नहीं मिली है। भारत और बांग्लादेश के सीमा प्रहरी बलों के बीच महानिदेशक स्तर की वार्षिक द्विपक्षीय वार्ता सोमवार को नई दिल्ली में शुरू हुई। इस 4 दिवसीय वार्ता में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का 22 सदस्यों का शिष्टमंडल सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से सीमा मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व राज्यपाल आर एस गवई को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी सदस्यों ने 1 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सदन दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना में ठेके पर काम कर रहे शिक्षकों ने अपनी नौकरी को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अलावा छात्रों ने भी छात्रवृत्ति और पोशाक नहीं मिलने के कारण मनेर हल्दी छपरा मार्ग को जाम किया। ग्रीस में शेयर बाजार 5 सप्ताह बंद रहने के बाद आज फिर से खुले। सोमवार को बाजार खुलने के साथ 23% की गिरावट दर्ज की गई। एथेंस स्टॉक इंडेक्स में कुछ मिनट के कारोबार के बाद भारी गिरावट दिखी। बैंकिंग शेयर जो कि इंडेक्स के लगभग 20% हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। रूस ने उत्तरी कॉकेशस क्षेत्र में 2 अलग अलग सैन्य अभियान में 14 लोगों को मार गिराया है। ये सभी संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित हैं। राष्ट्रीय आतंकरोधी समिति ने 36 घंटे के भीतर इन संदिग्धों को मार गिराया है। इसमें 6 लोगों को नाजिक शहर में जबकि 8 लोगों को शुंजी गाँव में मार गिराया गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यूरोपीय दौरा आज से शुरू होगा। आज भारत और फ्रांस के बीच पहला मैच खेला जाएगा। भारत इस दौरे में फ्रांस के साथ 2 और स्पेन के साथ 3 मैच खेलेगा। भारतीय पुरुष टीम हाल ही में बेल्जियम में हॉकी विश्व लीग के सेमीफाइनल में 4th स्थान पर रही थी। विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के लिए रवाना हुई है। एक भारतीय टीम श्रीलंका के साथ 3 टेस्ट मैचों की खेलेगी सीरीज, जिसमें पहला टेस्ट 12 अगस्त से होगा। टीम इंडिया ने 22 साल पहले श्रीलंका में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में टेस्ट सीरीज 1-0 से जीती थी। आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर में सावन मास के दौरान शिवालयों में विशेष आराधना की जा रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में महीने भर लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और शासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। उज्जैन के महाकाल में दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी। फिल्मकार SS राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली को दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है। रविवार को ही कमाई ने इस फिल्म को ऐतिहासिक पायदान पर पहुंचा दिया।